नमस्कार। समाचार प्लस के बोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। मथुरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न सिर्फ राजनीतिक तौर पर प्रदेश में एक अहम स्थान रखता है बल्कि एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मथुरा लंबे समय से प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के निर्माण और विकास में मथुरा का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, कवि रस खान समेत तमाम महान आत्माओं से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। ये नगर भारत की परम प्राचीन एवं विश्वविख्यात नगरी है। इतिहासकारों के मुताबिक ये नगर शूरसेन देश की राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी और मथुरा नाम से भी संबोधित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर कहा गया है, जिसमें इस नगर को मधु दानव के बेटे लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर पनपी हुई भारतीय संस्कृति को जिन धाराओं ने सींचा वे गंगा और यमुना की धाराएं थी। इन्हीं दोनों नदियों के किनारे भारतीय संस्कृति के कई केंद्र बने और विकसित हुए, जिसमें वाराणसी, प्रयाग, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, कन्नौज समेत कई स्थान शामिल है। लेकिन ये सूची तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक इसमें मथुरा का समावेश ना किया जाए। ठीक इसी तरह प्रदेश की राजनीति भी मथुरा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। रामायण में इस नगरी के समृद्धि का जिक्र किया गया है। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है और वर्तमान में ये नगर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। और जब हमारी वोट एक्सप्रेस अपनी चुनावी सफर में मथुरा की यात्रा पर निकली तो हमने भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से ही अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास खड़ा हूं और ये तमाम जो श्रद्धालु हैं यहां पर लाइन में लगे हुए हैं, पंक्ति में लगे हुए हैं, अंदर जाकर ये श्री कृष्ण जन्मभूमि उस पवित्र और पावन भूमि के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और यहां पर हम तमाम स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है, मथुरा से क्या मुद्दा रहने वाला है। तमाम स्थानीय लोग मौजूद हैं। बाबा, विधानसभा चुनाव आने वाला है, श्री कृष्ण की नगरी में हम लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मथुरा के लिए क्या है? मथुरा के लिए सबसे बड़ा है कि ब्रिज क्षेत्र में, ब्रिज 84 कोस के अंतर्गत जो ब्रिज की भूमि है उसका हम कृष्ण में हो धार्मिक क्षेत्र धर्मस्थली घोषित हो, तथा इस समय जो नोटबंदी का सबसे बड़ा मुद्दा आया है इसमें मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है। इस कार्य को देखते हुए जनता देख रही है कि महंगाई कम हो रही है और उस महंगाई को देखते हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं कि ये सत्ता में आए तो कुछ अच्छे काम हो, देश का विकास हो और उस हिसाब से मथुरा का भी विकास हो। मतलब महंगाई कम हो रही है और बीजेपी की तरफ ये देख रहे हैं, आपके हिसाब से मथुरा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? मुख्यतः नोटबंदी है। नोटबंदी से जो जनता को राहत मिली है, सस्ता हुआ है सारा, लोगों को वो फायदा हुआ है, उससे जनता राहत महसूस कर रही है और चाहती है कि सत्ता में आए यूपी में, जिससे धर्मनगरी के रूप में मथुरा का विकास हो और विकास हो। ये सब कह रहे हैं कि नोटबंदी से जो है वो सस्ता हुआ है सामान, महंगाई कम हुई है, लेकिन जो अपोजिशन है सपा बसपा कांग्रेस वो तो कह रही है गरीबों का नुकसान हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो ऐसे माहौल में जनता किस पे भरोसा करेगी? वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जनता का तो नोटबंदी से भलाई हुआ है, उनके जो उन्होंने नोट इकट्ठे कर रखे थे भ्रष्टाचार से, उनके जो है हित जो है प्रभावित हो रहे हैं, इस वजह से विरोधी विरोध कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये दिखाऊं, बाबा है, इन्होंने लगा रखा है हमें चिंता नहीं उनकी, उनको चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक पीएम मोदी चक्रधारी है, यानी पीएम मोदी को भी इन्होंने चक्रधारी बना दिया। बाबा, चक्रधारी तो एक ही है इस जगत में, फिर दूसरे चक्रधारी कहाँ से आ गए? अरे पीएम साहब ने, ठाकुर जी ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है आज तक 65 साल की उम्र में, लाइफ में देखा नहीं हमने,
इतना बढ़िया काम करा है और यूपी की 27 साल की माया मुलाम को हटाने जा रहे हैं। नोटबंदी की वजह से ज्यादा धंधा चल नहीं पा रहा हमारा, 100-250 का इतना ही चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल की ये मार्केट है और ये दुकान है, और जब हम इस दुकान के पास आए तो हमें दो चीज़ें जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है वो दिखा। यहाँ पर आप देखिए पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, यानी पेटीएम करो कैशबैक पाओ, डिजिटल इंडिया। और दूसरी चीज़ बिल्कुल ठीक दूसरी तरफ जो हमें नज़र आई है, यहाँ पर बाकायदा वो कार्ड भी एक्सेप्टेड कर रहे हैं, यानी वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, यानी कोई सा भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप लेके आइए। और यहाँ पर आप तमाम जो भगवान से जुड़ी चीज़ें हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, और पूजा के जो भी सामान है, जो सामग्री है, वो तमाम चीज़ें आप घर के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ के दुकानदार से बात करेंगे कि इनके लिए जो पूरा धंधा है ये क्या सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। भैया आपने पेटीएम और डिजिटल हर मोड से पैसा ले रहे, कब से शुरू किया आपने ये? 1 महीने से हम लोगों ने स्टार्ट किया है लेना हुआ। डिजिटल इंडिया में एक मोदी जी की मुहिम है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कैशबैक ले रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है कि ये पूरी मार्केट, आप श्रद्धालुओं से भक्तों से बात होती होगी, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग भी यहाँ आते होंगे पूरे देश भर के अलावा, तो आपका अपना मूड क्या बन रहा है चुनाव को लेकर? जो लोग यहाँ पे आते होंगे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? देखिए मेरी अपने पर्सनल ग्राहकों से भी बात होती है, वैसे भी बात होती है, तो सभी लोग जो है वो मोदी के पक्ष में है। सभी लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया। ठीक है हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मैं खुद जानता हूँ मेरा धंधा मंदा है, लेकिन फिर भी वी सपोर्टेड नरेंद्र मोदी। तो ये कह रहे हैं कि धंधा मंदा है लेकिन डिजिटल ट्रांजेक्शन को इन्होंने अपनाया है और चुनाव में भी ये मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। मार्केट में और भी बहुत सारी दुकानें हैं, ये दूसरी दुकान है और यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है। आप देखिए बाकायदा डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो बात कही जा रही है वो यहाँ पर भी है। तो पूरा जो मार्केट है ये मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन को इन्होंने अपना लिया है, कम से कम मोदी जी की अपील को। भैया कैसा धंधा, कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ठाक चल रहा है, नोटबंदी के बाद थोड़ा सा हालात सुधरे हैं। लोग आते हैं कार्ड से पेमेंट करते हैं? हाँ आते हैं, अब तो अवेयरनेस ज़्यादा हो गया है। चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव को लेकर आपने क्या सोचा है कि किस तरफ वोट जाएगा, कौन सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में जो मथुरा के लिए बेहतर करे, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर करे? देखिए अब वो चीज़ें निकल गई, वो जो दौर था कि कौन ना निशान ना जात और ना पंथ, अब सिर्फ काम। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से प्रत्याशी होंगे। नोटबंदी और इस सबों से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, गांव में थोड़ा सा रोष भी है तो शहर में फ़ायदा भी है, युवाओं में नहीं बढ़िया है तो लोगों का मिला जुला रिएक्शन है। तो फिर भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि भाजपा ही जीतेंगे, और मेरे ख्याल से जो पिछली बार भाजपा के जो हारे थे वो मामूली 500 वोट से हारे थे, तो मे भी शायद उन्हीं को इस बार भी टिकट मिलेगी। आपका ये कहना है कि तमाम जो समीकरण बन रहे हैं इसमें फायदे में जो है वो बीजेपी रहेगी मथुरा में? जो भी नहीं, पिछली बार भी बीजेपी फायदे में ही थी, महज 500 वोटों से कांग्रेस जीत पाई थी। तो और वो जो पिछली बार खड़े हुए थे, मेरे ख्याल से अगर वो इस बार भी उनको कंटिन्यू किया जाता है तो वो तो निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है। तो ये जो है वो परसेप्शन है, ये जो राय है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बगल की ये मार्केट है यहाँ के लोगों की। कृष्ण की नगरी मथुरा की एक सबसे बड़ी पहचान है पेड़ा। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पावन दर्शन करने, और यहाँ से पेड़ा ले जाना नहीं भूलते हैं प्रसाद के रूप में, और तमाम अपने घर पर अपने रिश्तेदारों को जो यहाँ का प्रसाद है पेड़ा वो ये बांटते हैं। तो हम भी एक पेड़े की दुकान पर यहाँ पर आए हैं, और बाकायदा यहाँ पर पीछे जो है पेड़ा बन भी रहा है, और आप देखिए किस तरह से पेड़ा बनाया जा रहा है। और चूँकि दिन निकल चुका है तो जैसे जैसे शाम होती जाएगी भक्तों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो उतनी ही तेज़ी से पेड़ा बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को ये बेचा जाए। और किस तरह का धंधा चल रहा है पेड़े वालों का और ये क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, ये हम इनसे बात करेंगे। कैसा धंधा, कैसा चल रहा है भैया? तो सही चल रहा है, हल्के हल्के चल रहा है। आपके लिए बेहतर अच्छा नेता कौन है? मोदी जी बढ़िया है, वो हम उनको पहले दे चुके हैं वोट, पहले से देते आ रहे हैं, अब हम दोबारा से दे रहे हैं। पहले मोदी को वोट दिए, फिर दोबारा मोदी को वोट देना चाहते हैं, एक बार और देना चाहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने मोदी जी को वोट दिया और एक बार और विधानसभा चुनाव में मोदी जी को ये वोट देकर देखना चाहते हैं।
मैं इस वक्त खड़ा हूँ मथुरा के जवाहर बाग में। जवाहर बाग जिसे इस देश का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता कि किस तरह से प्रशासनिक नाकामियों की वजह से एक आदमी यहां पर इस पार्क में अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है और जब उसे खाली करवाने के लिए पुलिस फोर्स आती है तो दो बहादुर पुलिस अधिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उस रात समाचार प्रेस के जामाज रिपोर्टरों ने भी आपको एक एक पल की घटना की जानकारी लगातार दी थी और आज मैं उसी जवाहर बाग में खड़ा हूं और मेरे साथ जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी मौजूद है जिनका ये जिम्मा है कि अब इस पार्क को किस तरह से सजाया जाए, संवारा जाए। उन तमाम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। बाबा, 2 जून की घटना हुई जिस तरह से खाली करवाया गया, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ यहाँ जले हुए हैं, तो अब इस पार्क को कैसे बना रहे हैं? क्या लोग घूमने आते हैं आसपास के लोग, या अभी भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है? यहाँ इस समय कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और अब इसको बड़े अच्छे स्तर पर बनाया जा रहा है। और बताते हैं कि इसको लोहिया पार्क लखनऊ की तर्ज पर बनाया जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, कुछ पार्क बनाए जाएंगे, चिल्ड्रंस पार्क बनाए जाएंगे, झूले बनाए जाएंगे, कुछ तालाब बनाए जाएंगे। ऐसा करने का ऐसा हमें मिला है और करीब 15 करोड़ रुपया इसमें शासन से मुक्त भी हो चुका है। जवाहर बाग का जब नाम आता है तो बहुत बदनाम हो गया, आसपास के लोग जब हम पूछ रहे थे तो बहुत डरे हुए भी, सहमे हुए भी से लग रहे थे। अब ये पार्क का पूरा सौंदर्यीकरण करेंगे, तमाम फैसिलिटी यहाँ पे आएगी, लोग अब आना शुरू हो गए यहाँ पे और क्या बातें करते हैं वो? यहाँ आना शुरू हो गए और इस पार्क को लोहिया पार्क की तर्ज पे बनाने के लिए सरकार ने जो है 15 करोड़ के समथिंग पैसा दिया है, जो किसी एक इस कार्यदायी संस्था निर्माण निगम करा रहा है और कार्य हमारा स्टार्ट हो गया है। बार बार दोबारा से बनाया जाएगा। आप भी यहाँ के कर्मचारी हैं? जी। तो यहाँ जब लोग आते होंगे तो अब चुनाव का माहौल आ गया है और जिस तरह से जवाहर बाग में जो हुआ था तो लोग क्या आपस में बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, चुनाव को लेकर लोगों का क्या दिमाग, क्या मूड बनता दिख रहा है आपको? जो भी हुआ है यहाँ पे वो बहुत दुख भरी घटना रही है, लेकिन आगे इससे उभरना भी यहाँ के लोगों के लिए इतना संभव, जल्दी संभव नहीं है इतना लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इस घटना को ऐसे भुलाया नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और कृषि अधिकारी मौजूद है, इनसे जानेंगे। अब ये तमाम पार्क को डेवलप करने के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी, सरकार ने स्वीकृति दे दी, आसपास का इलाका जो है आप तमाम लोगों से बातचीत करते होंगे, दोबारा ऐसा ना हो इसको लेकर कुछ सोच रहे हैं क्या आप लोग? अब तो ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और ना होगा ही। ये जवाहर बाग के हालात है और हम उम्मीद करते हैं कि हम 6 महीने या साल भर बाद जब यहाँ पर आए तो हम आपको एक नई दुनिया यहाँ पर हम आपको दिखा सके, जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं। हमारी फोर्ट एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई अब आकर रुकी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली गोवर्धन में, जहाँ सदियों से दूर दूर से भक्तजन भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है और ऐसे में अब की बार की चुनावी सीजन में यहाँ की जनता किस नेता की परिक्रमा को साकार करते हैं, यानी किस नेता को चुनकर वो विधानसभा भेजते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबान। हम लोग मथुरा के गोवर्धन में श्री गिरिराज मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ये पूरा एक प्रतिबिंब है, इसी तरह का दृश्य उस समय बना होगा तमाम लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए या इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, किस तरह से लोगों को, गायों को, पशु को, पक्षियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत जो है वो अपनी एक उंगली पे उठा लिया था। तो यहाँ पर हम तमाम लोगों से जानेंगे, ये बाकायदा लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पर दूध का जो भोग है वो श्री गिरिराज जी को लगाया जाता है, तो दूध यहाँ पे तैयार है बिकने के लिए, फूल चढ़ाए जाते हैं पूजा करने के लिए गेंदा और गुलाब के, तो फूलों का पूरा डोने में इसको बना के रखा गया है और पेड़े का जो भोग है वो लगाया जाता है, तो इन तीनों चीज़ों से पूजा की जाती है। और यहाँ हम दुकानदारों से जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या नोटबंदी का कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा नोटबंदी से, पेमेंट यहाँ तो छोटी दुकान है, अभी तो मशीन आई नहीं है। अच्छा, चुनाव आने वाला है तो चुनाव को लेकर क्या सोचा है, कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? मोदी जी, बीजेपी मोदी जी को वोट करेंगे। कुछ और दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानेंगे, ये युवा लोग है, वे चुनाव में वोट करते हो कि उस दिन छुट्टी मनाते हो?
वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे? मोदी को वोट देंगे। गोवर्धन का इलाका है, मोदी जी को वोट देंगे। कुछ और लोग से बात करेंगे, क्या वोट देंगे चुनाव में इस बार? जी बिल्कुल देंगे। किसको सोचा है? हमने मोदी जी को ही वोट देने का सोचा है, और जहां भी जाएंगे, जिसको भी, जिसके पास भी जाएंगे, उनको मोदी जी को वोट देने के लिए बोलेंगे। ये प्रसाद की दुकान है, प्रसाद का जो सारा सामान है वो बेचते हैं यहाँ पे, और इसका भोग भी चढ़ाते हैं भगवान श्री गिरिराज जी को, और लोग अपने घर भी ले जाते हैं इन प्रसाद को। यहाँ हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। अब वोट आने वाले हैं, फिर चुनाव आने वाले, क्या सोचा है किसको वोट करोगे? अभी कोई निश्चित नहीं, जैसा देखेंगे वैसा देंगे, या तो मोदी को या सपा को। क्या चुनाव में भैया किसको वोट करोगे इस बार? सभी के अनुसार तो अखिलेश ही है, आगे देखो क्या होता है। तमाम लोग कह रहे हैं, मायावती जी भी कह रही है विकास करेंगे, मोदी जी भी कह रहे हैं विकास करेंगे। जितना अखिलेश के टाइम में विकास हुआ उतना किसी के भी नहीं हुआ। जितना अखिलेश जी के टाइम में विकास हुआ उतना किसी के टाइम में नहीं हुआ। कई और दुकानदार भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों के बारे में। कैसी चली भैया दुकान? ठीक चल रही है भैया। नोटबंदी का पहले तो असर रहा 2 महीने, लेकिन अब तो जो है कोई असर है नहीं, अब तो ठीक है। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारी पार्टियां चुनाव में हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं कि लखनऊ में हमारी सरकार लाओ तो विकास करेंगे, मायावती भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, उनके भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, क्या सोचा चुनाव में इन चारों में सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? ये पार्टी क्या, पब्लिक को तो विकास चाहिए, विकास का मुद्दा है, पब्लिक तो विकास चाहती है। पार्टी चारों अपनी अपनी बोल रही है, लेकिन इस समय जो देख रहे हैं वो समाजवादी को तो देख ही चुके हैं, और बसपा भी पहले देख चुके हैं, चाहते हैं भाजपा आए भारत में, इसमें उत्तर प्रदेश में, और अपना विकास करें। गोवर्धन में तमाम लोग मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव आने वाले हैं जी, कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है जो उत्तर प्रदेश का, गोवर्धन का, मथुरा का विकास करेगा? देखिए, आज युवा पीढ़ी की सबसे ज़्यादा सख्त जरूरत है। जितने भी जो पुराने नेता हो चुके हैं, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को लूट कर खाया है, और वो अपने आते हैं, और जब भी चुनाव आते हैं वो कुछ ना कुछ हम लोगों को लालच देते हैं कि आपको हम ये सुविधाएँ देंगे, ये सुविधाएँ देंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखना, जो युवा नेता हैं आज हमारे अखिलेश यादव जी, हम तो उनको चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो उन्होंने अभी विकास किया था, और ऐसे ही उसकी पूरी सभा के अंदर जितने भी आए, जो भी एमएलए इलेक्शन जीत कर आएंगे, वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं होता होना चाहिए, जो कोई क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए। भैया कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है आपको? अखिलेश यादव, ओनली मोदी। कौन जीतेगा चुनाव उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की आप एक स्पष्ट बहुमत दे। 5 साल में जाएंगे, मतलब 2 महीना इनने मतलब कछु काम करा दियो, मतलब रोड पे, मतलब एक बात बताओ, कागज नीचे कौन सा काम उतरे अखिलेश को? कोई काम नहीं। अभी मतलब चुनाव आएंगे तो यार मतलब रणनीति बना दे, मैंने योजना निकाल दी, योजना निकाल दी, यार पहले चुनाव करो ये काम। 5 साल में पुलिस की एक भर्ती क्लियर ना भाई, एक भर्ती में तो मतलब पुलिस की 2 टेस्ट कराता है, और दूसरी भर्ती आती है उसमें एक भी टेस्ट नहीं। कहां की रणनीति है? जो बच्चे पहले हाई स्कूल और इंटर कर चुके हैं उनकी परसेंटेज नहीं थी, जैसे कि हमने 2 साल पहले मतलब जैसे इंटर हाई स्कूल कर ली, परसेंटेज नहीं थी, तो हम तो वैसे ही रह गए, भर्ती से बाहर निकल गए। बताइए परसेंटेज से भर्ती कराने का मतलब क्या है? तो साफ धांधली हो गई। तो इसकी वजह से अखिलेश तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो मतलब अखिलेश माया, ये सब बेकार। आपके हिसाब से कौन उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया नेता होगा? मेरे लिए तो जो अच्छा काम करेगा वो ही आना चाहिए। और अच्छा काम करेगा? देखो जी, हमारे हिसाब से तो देखो बीजेपी ही आनी चाहिए। ये कहना चाह रहा था कि अखिलेश जी मतलब आने चाहिए, और अखिलेश जी आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई कुछ भी कहता रहा, युवा पीढ़ी में जितना विकास उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने किया है, उतना किसी ने करके नहीं दिखाया। हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है कि सही लोग और ईमानदार लोग राजनीति में आए, चाहे वो किसी दल से हों। इस बार चुनाव में आप जाओगे तो किसको वोट करोगे? अखिलेश जीतेगा। कौन जीतेगा बाबा चुनाव? अखिलेश, अखिलेश मैं कहूंगा, बात है मैं कहूंगा, ईमानदार अखिलेश, ईमानदार, फिर भी मोदी भी ईमान है। अखिलेश यादव ने, हम किसान आदमी है, मार दिए मारे हमको, जो जो रुपए का दुख पा रहे हम। और भी लोगों से बात करेंगे। कौन जीतेगा भैया इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव? पूरा ही जीतेगा, राज जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा, पूरा जीतेगा, और कोई नहीं रोकेगा, पूरा मोदी जीतेगा। दूसरे बार आएगा तो साइक ने पानी हरा रही, नहीं तो पूरा पक्का जीतेगा। कौन जीतेगा इस बार चुनाव? बीजेपी जीतेगी। हमारी वोट एक्सप्रेस गोवर्धन से निकलकर अब आ पहुंची है मथुरा के राया में। यहाँ भी हमने तमाम लोगों से उनके चुनावी मुद्दे के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। हम इस वक्त मथुरा के राया कस्बे में मौजूद है, जो बलदेव विधानसभा का क्षेत्र है। तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले एक चाय की दुकान यहाँ पे चल रही है। जब हम इस चौक पर आए थे तो ये चाय की दुकान यहाँ पर चला रहे हैं, तो पहले इनसे ही बातचीत हम शुरू करेंगे। बाबा कैसे चाय बिक्री है आजकल, पहले की तरह की कम हो गई है? कम हो गई है, नहीं थोड़ी हो गई। अच्छा, चुनाव आने वाले तो वोट देने जाओगे आप? हाँ जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कौन सा नेता ज्यादा अच्छा लगता है आपको? अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी, मोदी? मोदी लगता है, मोदी अच्छे लगते हैं आपको। भैया चुनाव में वोट डालने जाओगे? किसको वोट करोगे? मोदी को।
यहाँ पे और भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया इस बार ये जो बलदेव विधानसभा है मथुरा की, सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा लोकदल जीतेगा या उसे? बाकी सब मायावती, मुलायम, राहुल गांधी, मोदी जी, इनमें लोकदल ही क्यों अच्छा लगता है? लोकदल ही किसान का काम करता है। मुद्दा ये रहेगा कि विकास के आधार पर मुद्दा रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को करेंगे और गरीब मजदूर के साथ हैं वो, और विकास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट मिलेगा। बड़ा मुद्दा ये हमारे यहाँ चुनाव का शायद मेरे हिसाब से तो होना चाहिए ये जो नोटबंदी का सबसे बड़ा, इसमें किसान तो इतना परेशान कि आलू भी आपको मालूम होगा सब कोल्डों पे आलू रखा है वो। यहाँ भैया तमाम किसान की परेशानी की बात करो, चुनाव आने वाला है तो चुनाव में फिर ये सब सोच के किसको वोट करोगे आप? अब तक जो किसानों के साथ रही है यहाँ पर ज्यादातर जो मुद्दे आए हैं बहुत भी जाम बाम कई बार समस्या आई है, तो यहाँ किसानों के साथ लोकदल ही रहता है। ये नोटबंदी का मुद्दा ले लीजिए, इसमें छोटे तबके का लोग तबाह हो गया है, बड़े लोगों को खूब आनंद हुआ है। पिछली गली से बड़े बड़े व्यापारियों को दाम निकाले गए, जो छोटे किसान और छोटे खोमचे वालों को लाइन लगा करके मरे, 250 आदमी उत्तर प्रदेश मरे। बीजेपी ने जो एजेंडा बनाया था कोई विकास के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला हो, 370 रुपये बोला हो, हर एक मंडल में एक IT कॉलेज होगा, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी होगी, हर रोजगार के अवसर दे जाएंगे, कोई भी 2.5 साल 3 साल होने को जा रही एक मुद्दा ठोस जमीन पटल पर बता दे कोई कि ये मोदी जी ने किया है जिससे युवा वर्ग 36 करोड़ भारत में युवा हैं, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, आज तक किसी की लगी? हमने तो नहीं देखा। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और जो मुद्दे में शामिल हैं किसानों की समस्याएं वो शायद अखिलेश और अजीत सिंह, जयंत जी और राहुल मिलकर के समस्या को समाधान करेंगे और हमेशा किसानों की पार्टी किसानों को रहेंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या मथुरा से कौन चुनाव जीतेगा और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार अच्छा काम करेगी? मथुरा से लोकदल चुनाव जीतेगा और ये गठबंधन सपा कांग्रेस और लोकदल की जो सरकार बनेगी वो अच्छा काम करेगी क्योंकि ये किसान हितैषी हैं। आपके हिसाब से कौन चुनाव जीतेगा मथुरा में? बीजेपी जीतेगी। हम इस वक्त मौजूद है माट के नीम गांव चौराहे पर और वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में हम तमाम लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। सब्जी की दुकान चला रहे हैं यहाँ पर और तमाम सब्जियां इनके दुकान पर मौजूद है और जो तमाम मुद्दे कहे जा रहे हैं कि नोटबंदी और इसकी वजह से गरीबों को, छोटे दुकानदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये बड़ा मुद्दा जो है वो बनाने जा रही है विपक्षी पार्टियां, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा चल रहा है। भैया कैसी दुकान चल रही है अभी सब्जी की इतनी? हाँ जी भैया, अपनों जो है कि अपनी दाल रोटी निकल रही है, बोले बोले थोड़े बहुत तो कमाई ली मैम। नोटबंदी का कुछ असर पड़ा है? हाँ जी, नोटबंदी पर ऐसा कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ा, वो है कि थोड़ा बहुत तो पड़ती है सब। वोट डालने जाओगे इस बार? वोट डालने जाएंगे भैया, मोदी थे हम तो परेशान हैं। क्यों? कब नोटबंदी थे ना दुकान चल रही, बैलने की दुकान है मेरी, भारी परेशान हूँ मैं तो, जो है अपना अखिलेश है दूंगा। अखिलेश को वोट दोगे? भैया इस बार किसको वोट दोगे आप? जैन जी को, जैन चौधरी। नोटबंदी से पूरा चौपट हो गया, व्यवस्था पूरी खराब हो गई है, लेन देन बच्चे तक हॉस्पिटलों में खत्म हो रहे हैं और इस वजह से जैन जी को हाथ मजबूत करने और जैन जी को लोकदल के यहाँ से माठ विधानसभा से योगेश नवार जी को आरएलडी को आप वोट करोगे? जी। कौन जीतेगा इस बार चुनाव में मथुरा से? मथुरा से बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा, हम मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके? कुछ नहीं, बस यही सोचेंगे जी नोटबंदी से बहुत ज्यादा परेशानी रही, उस वजह से जो है बीजेपी को ना देकर लोकदल को दें। भैया आप किसको जिताओगे उत्तर प्रदेश में? मैं बीजेपी को जिताऊंगा सर। जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसको वोट डालोगे? यहाँ जो है माट और बलदेव विधानसभा दोनों में ही जो विकास को लेके जो है पीछे रही है, दोनों ही सरकारों में जो काम नहीं हो पाया उसको लेके हम जो है जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छा नेता जो भी आएगा मैदान में जिस पार्टी से उसी को चुना जाएगा। वो किसी देखोगे अभी आप नेता देखोगे, किसको वोट करोगे भैया चुनाव में? जी भाजपा को वोट करेंगे। क्या सोच के वोट करोगे? सोचेंगे यही कि हमारा एक वोट है, यही सरकार बदल सकता है, यही सोच के वोट करेंगे। तो एक वोट है और एक वोट ही सरकार बदल सकता है। इसी के साथ मथुरा से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशीष सोनकर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।